बब्बर फिल्म रिलीज हो चुकी है, तुसी हुणे हुणे अंदर गए हो, किवें दा रिस्पोंस लगा ऑडियंस? मैनू लगता भी इदों वध खुशी की हो सकती है, थिएटर अज भी भरिया होया सीगा पूरा, है ना, तो बहुत फुल सीगा थिएटर। तो ऑडियंस तुहानू किसे डायलॉग नाल संबोधित करके बुलाउंदी है, उदों सानू समझना चाहिए कि हाँ थोड़ा जिहा कितना कितने ऑडियंस के मन च वसिया होया चीज़। चेंज चाहते हो तुसीं राज सर इंडस्ट्री दे विच कि हाँ फिल्मी दुनिया दे विच ए चेंज जरूर आना चाहिए हुण अगे? चीज़ बड़ी बार बार आती है कि इंडस्ट्री में नवे चेहरों को मौका नहीं मिलता, नवे लोगों को इसलिए अप्रोच नहीं किया जाता, कि ये चीज़ सही है? डायलॉग सुन सुन के याद है भाई, सोना वर्सोवा बीच पे उतरने वाला है। मैं पहला वर्सोवा बीच ही गया भरावा, मैं क्या पहला सोना देख के ही उ मैं लगता भी मेरी स्ट्रगल वो 5 साल नहीं सी पहली भी जो मेरे कोम नहीं सी। मेरी स्ट्रगल उस दिन शुरू हुई जिस दिन मेरी पहली फिल्म सिनेमे के लगी। बड़ी वायरल हुई थी कुछ दिन पहले जो तुम अमर सिंह चमकीला की उन्होंने व्हाट्सएप पर एक वीडियो तुम अपलोड की थी, वो वीडियो बहुत वायरल हुई, वो बारे जरूर दसो कदों वीडियो बनाई थी, ऑडिशन के लिए से कि बचपन तो हड्डा जरचा हुआ, मतलब सुनता ही बहुत सी जी चमकीला, है ना, तो मैं ये मैं ये ऑडिशन मैं बहुत घट ऑडिशन दिया, मैंने ये ऑडिशन मैं जरूर दूंगा, एक ट्राई जरूर करूँगा। सत श्री अकाल, तुम देख रहे हो प्रो पंजाब टीवी, मैं हाँ खुशी सरां, इस टाइम मेरे नाल मौजूद ने राज सिंह चिंजर ते प्रदीप चीमा जी, गलबात कर लेने उन्होंने नाल। सब तो पहला सर तुहाडा स्वागत है प्रो पंजाब टीवी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। सो बब्बर फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, तुम हुणे हुणे अंदर गए हो, किवें दा रिस्पोंस लगा ऑडियंस? ऑडियंस का रिस्पोंस बहुत वधिया सीगा जी, तो मैनूं लगता भी इदों वध खुशी की हो सकदी है, थिएटर अज भी भरिया होया सीगा पूरा, है ना, तो बहुत फुल सीगा थिएटर, तो यही इनाम होंगे एक्टर का, है ना, मेकर का यही इनाम होंगे गा, तो बहुत अच्छा लगे जी। मेरे ख्याल च जदों ऑडियंस तुहानू किसी डायलॉग नाल संबोधित करके बुलाउंदी है उदों सानू समझना चाहिए कि हाँ थोड़ा जिहा कितना कितने ऑडियंस के मन च वसिया होया चीज़, ऑब्वियसली फिर जो चंगी लगती है ऑडियंस नू ताइयो शायद वो एक्टर नू याद रख सकदी है, करैक्टर नू याद रख सकदी है। सर जी गल करिए, हमेशा जो एक नवा प्रोजेक्ट रिलीज़ होंगे तो उस तो पहला हमेशा नर्वस होंगे हो कि जहाँ ठीक होंगे चलो नैक्सट, हाँ नैक्सट होने की उन्ना होंगे कि नहीं उन्हें नर्वस होंगे, ज हमेशा एक आर्टिस्ट नर्वस हों ही हों? मैं लगता है हर आर्टिस्ट नर्वस होंगे गा, जो कहें भी मैं नर्वस नहीं तो मैं लगता वो कम सीरीयस नहीं लै रहे अभी भी बहुत मतलब डिस्कशन करते होंगे स्क्रिप्ट के उत्ते, मतलब वो नर्वसनैस जो ही भी वो तो वह डिस्कशन हो, स्क्रिप्ट रीडिंग्स हो, मतलब ऑफकोर्स नर्वस होंगे। देख रही हूँ इतने बहुत सारे थोड़े फैन जेडे नाल ही अंदरों बाहर आ गए हैं, चलते हुए फोटो करवा रहे हैं, सो इदा का माहौल देख के लाइव किवें चीज़ महसूस होंगी है, क्योंकि वैसे तो असं सोशल मीडिया से देखते हैं बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लोगों के, बहुत प्रेज भी करते हैं, बट उन्होंने चीज़ों लाइव जो सू मिल ने पता नहीं मैनू कोई आंसर मेरे को एग्जैक्टली है नहीं, बट वधिया लगता जो ऑडियंस तू कम देख के आँदी है, मेरे ख्याल च शायद ही आंसर है। सो बब्बर फिल्म दी गल करिए राज सर, तां कितन हो रहा है जे ए पहला कम है जिहड़ा प्रदीप, मतलब बहुत सोहना कम कीता प्रदीप ने, है ना, जिस तो उहनू इन्नी रेकग्नाइजेशन मिल गई है भी स्ट्रीट जांदे भी हुण ते इहनू मतलब मास्क पाउणा पैंदा, तां मैनू लगदा भी ए यूज़ टू हो रहा हुण इहदे नाल, है ना, ते हौली हौली इहनू मैनू लगदा होणा भी चाहीदागा, होणा पऊगा। हाँ मतलब जे कम करांगे इदां दा तां ऑब्वियसली लोग पसंद करनगे, तां यूज़ टू हो जांगे सिचुएशन दा। बब्बर फिल्म की गल करिए कितने ना कि बड़ा हट के कंसैप्ट से इंडस्ट्री के, इदा दीज़ा सूँ बॉलीवुड के साउथ फिल्मों के देखने मिलती हैं, पर पंजाबी इंडस्ट्री सिनेमा चेंज हो रहा है, एक्शन जोड़ा है वो इंडस्ट्री के आ रहा है। बिल्कुल यह वधिया गल है जी, एक्शन भी वो भी अच्छे लैवल का, मतलब ओरिजिनल ज एक्शन मतलब इंट्रोड्यूस होगा, तो जिम्मे वार्निंग दे विच भी बड़ा ओरिजिनल ज एक्शन सीगा, तो अमर वीरा बहुत मेहनत करते इन चीज़ों के उत्ते भी कुछ भी फेक ना लगे वधिया तरीके करिए, तो मैं लगता कलियाँ एक्शन ही नहीं बननिया चाहिए फिल्म, होर भी डिफरेंट डिफरेंट सस्पेंस थ्रिलर सब कुछ बनना चाहिए ताकि लोग बोर ना हो सिनेमे च आते रहन, क्योंकि ऑडियंस ऑडियंस हर तरह की आ, सो टॉपिक हर तरह के होंगे तो शायद इंजॉय करते रहेंगे लोग। फिल्म रिलीज़ होने तो बाद जिम्मे फर्स्ट टाइम काम किया कि मतलब कि फ्रेंड्स पिछू कि रिस्पोंस आया उन्होंने कि मतलब तो चीज़ा कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिले? वधिया मिले तोता हो ही पई आ। हाँ मतलब जो कुछ गलतियां सी वो दसियां भी, खास फ्रेंड सर्कल च मेरा आपदा जो मैं रहना मेरे दोस्तों नाल या मेरे घर तो कुछ मैंबरस ने देखा तो उन्होंने भी कुछ टिप्स दिते कि हाँ आह चीज़ हैगी आ, और कई चीज़ा कुछ रह जांदियां ने कितना कितने जो मिस करते हैं या कई बार सानू कॉम्प्रोमाइज़ करनिया पै जांदियां ने या कुछ चीज़ा होंदियां ने, सो यही हुंदा समां कि असीं अगे जाके उन्हों सुधारीए।
चेंज चाहते हो तुसी राजसर इंडस्ट्री दे विच कि हाँ फिल्मी दुनिया दे विच ए चेंज जरूर आना चाहिए हूँ अगे? हाँ जी, जी आ रही है, मैंने लगता नवे मुंडे बहुत वधिया कॉन्सैप्ट लैके आ रहे हैं, नवे डायरैक्टर भी आ रहे हैं, नवे राइटर भी आ रहे हैं, नवे नवे एक्टर भी आ रहे हैं। जिम्मे बब्बर देखा होना, पूरी डायरैक्टरी है बब्बर एक्टर की, है ना, किन्ने सोहने सोहना काम किया सारे एक्टर ने, ईवन नवे ने भी। तो मैंने लगता चेंज आ रही हैगी, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सैप्ट बन रही, तो आनी भी चाहिए। एक चीज़ बड़ी बार बार आती कि इंडस्ट्री में नवे चेहरे को मौका नहीं मिलता, नवे लोगों को इजली अप्रोच नहीं किया जाता, कि यह चीज़ सही है? नहीं, ऐसी गल नहीं, मैंने लगता वो जी स्ट्रगल आ हर एक्टर की लाइफ हैगी, ये रोन की लड़ नहीं हैगी। मैं लगता भी मतलब 15 साल हो गए मैं इंडस्ट्री जो हूँ जाके आह थोड़ा जहा हो, मतलब सबर तो रखना पैना, क्योंकि कला जिंदगी मंगती है। मैं लगता तो वो जिंदगी देनी पैनी है, टाइम देना ही पैना, मेहनत करते रहना पैना। बड़े फिल्मी से शुरू तो ही है ना, थोड़ी चीज़ें थोड़े कि हाँ डायलॉग्स में बोलना, चाहे उन्होंने चीज़ों सोचने लग जाना कई बार, जिम्मे मुंबई गए थे तो मैं देख रही थी कि थोड़ी वो चीज़ से कि हाँ भी सोना यहाँ पर उतरेगा, सब तो पहले ऑटो करके जगह देखी जा रही कि मैं डायलॉग सुन सुन के याद हो सोना वरसोवा बीच पर उतरने वाला है। मैं पहला वरसोवा बीच ही गया भरावा, मैं पहला सोना देख के ही उत्ते। कुछ नहीं लेना चंगे राजसर, तुहाडे को इस जर्नी के दौरान का कोई अजिहा किस्सा जो तुसी ऑडियंस नाल सांझा करना चाहो, क्योंकि एक लंबी जर्नी के बहुत सारी चीज़ा रही होंगे जो कि दूजे इंस्पायर कर जाने ने कि तुहाडी जर्नी नू होर भी ज़्यादा खूबसूरत बना देंगे? हाँ जी, मैं लगता भी मेरी स्ट्रगल वो 5 साल नहीं सी पहली भी जो मेरे को कम नहीं सी, मेरी स्ट्रगल उस दिन शुरू हुई जिस दिन मेरी पहली फिल्म सिनेमे के लगी। तो उस तो बाद बहुत सारे उतरा चढ़ा आए, जिमें फिल्म फ्लॉप हुई, कोई पछाणदा नहीं सी, कोई काम नहीं सी दिंदा, उदो फिल्मां बनदियां भी घट सीगियां ते पर काम मिलिया नहीं गा, बट फिर ट्राई करता रहा तो हुण फाइनली इत्थों तक पहुँचा। तो मैनूं लगता भी किसी भी पल निराश होने की लोड़ नहीं, जिहड़ा टाइम तुसीं वेले हुंदे तुहानूं बिल्कुल वेले नहीं रहना चाहिए, आपके स्किल्स ते काम करो, उस टाइम के उत्ते आपदे ते काम करो, वो बिल्कुल कोई भी काम है बेशक वो कदे वेला नहीं रहना चाहिए, आपके काम आपदे ते काम तो कर ही सकते हो जे बाहर काम नहीं मिल रहा। तो मैं मतलब उस टाइम स्पेंड किया आपके स्किल्स ते काम किया, तो मैनूं लगता हुण भी एक मौका इहो जिहा आया ही आ हुण मेरे कोले कि आह बब्बर इज हैपनिंग। स्किल्स की गल की थोड़ी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कुछ दिन पहले जो तुम अमर सिंह चमकीला की उन्होंने वर्षों पर एक वीडियो तुम अपलोड की, वो वीडियो बहुत वायरल हुई, वो बारे जरूर दस कदों वीडियो बनाई थी, ऑडिशन के लिए कि? हाँ जी, वो ना मैं ऑडिशन दिता सी एक फिल्म का, वो तो मैं काफ़ी कम किया मतलब कैरेक्टर देख लुक भी देख रही थी, फोटोज भी देख रही थी, बहुत वर्क। तो मैं लग्या भी जो मैं ऑडिशन दे रहा हाँ तो मतलब भी मैं इतों एक्सपैक्ट किया जाऊगा भी ये कुछ करूँगा इस, तो मैं उसकी काफ़ी तैयारी की थी, जिम्मे वे कॉस्ट्यूम लभे मैं बनवाए मैं सारा, फिर अमरजोत नाम मिलती कुड़ी लभी है ना, तो वो काफ़ी कम करके जो फोटोशूट के नाल असी ऑडिशन तैयार किया भेजा भी सीगा असी, हुण वो पता नहीं मैनू की होया, पर मैनू मतलब चमकीला बचपन तो हड्डा च रचा हुआ, मतलब सुनदा ही बहुत सी चमकीला है ना, तो मैं ये मैं ये ऑडिशन मैं बहुत घट ऑडिशन दिया, मैंने ये ऑडिशन मैं जरूर दूंगा एक बार ट्राई जरूर करूँगा। तो जिस दिन 8 मार्च न डैथ एनीवर्सरी से चमकीला की, तो मैं उस दिन वो डेडिकेट की उन्होंने पाई थी, वो चीज़ देख रही थी काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी सारे लोगों द्वारा पसंद भी किया गया, क्योंकि कितने ना कि चीज़ काफ़ी सिमिलर लग रही थी। सो बब्बर फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, ऑडियंस वालों बड़ा पसंद किया जा रहा है, तुम जानते की कहना चाहो? ऑडियंस में यही है कि जाके देखो ताइयो पता लगू, कुछ कंपेयर ना करो, हर एक फिल्म का जो अड हों कंसैप्ट अड हों, सो इदा नहीं कि हाँ असी दूसरी फिल्म देख लाँगे वो लगी हुई है टाइप, मतलब देखो मौका दो, जे कुछ नवा चेंज होंदा जा रहा पंजाबी इंडस्ट्री तो उन्होंने मौका दो, सो उस चीज़ का हिस्सा बब्बर आ, सो इंजॉय करो तो सानू दसो कि किवें लगी, फीडबैक जरूर दो, क्योंकि बब्बर मैं लगता भी स्टोरी टैलिंग यदि डिफरेंट हैगी, स्क्रीन प्ले डिफरेंट है, यही भी कली एक्शन फिल्म ही बहुत कुछ हैगा, तो मैं लगता एक करी ऑडियंस में यह चांस देना देना चाहिए, सानू भी साडा काम देखे देख भी रहे बहुत भर के शो चल रहे हैं, जिवें तुसीं हुण अंदर देखे होना फुल सीगा शो, तो यही कहेंगे प्लीज़ एक करी बब्बर जरूर देख के तुहानू पसंद आ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ये सन मेरे नाल राज सिंह चिंजर एंड प्रदीप छीमा, जिन्हें कि फिल्म बब्बर रीसेंटली रिलीज़ हुई है, तो लोगों के वालों इस फिल्म को काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है, तो फिल्म किमें लगी कमेंट करो, तो अपनी राय दसो, तो हर लेटेस्ट अपडेट में चैनल देखते रहो प्रो पंजाब टीवी।